प्रैक्टिकल करना। जब जिस दिन लगे कि व्यापार ठीक नहीं चल रहा, आज लगे कि आज पैसा चाहिए और आ नहीं रहा, आज तुम्हें 5,000 की, 10,000 की, 50,000 की, 1,00,000, 5,00,000 की जरूरत है और कहीं से आवक नहीं है, भगवान कहीं ना कहीं से आ जाए ऐसी कृपा, तो कुंदकेश्वर महादेव, महादेव का नाम लेकर एक पुष्प उसका अंतर पर रख दो, जिस जगह से तुम कमाते हो, जिस जगह पर, जिस गादी पर, जिस कुर्सी पर तुम बैठते हो, उसके सम्मुख में उस पुष्प का मुख बाहर होना चाहिए, उसकी डंडी, उसका जो डंडी का भाग है वो हमारी ओर मार आकर्षण। जैसे भगवान को जो फूल देते हैं, आपको मालूम होगा ना, भगवान को जो पुष्प देते हैं तो पुष्प का मुख कहां रखते हैं, भगवान की ओर, ठीक है। मतलब जैसे भगवान गोपाल जी बैठे हुए हैं तो भगवान को अगर आप पुष्प दोगे तो फूल का मुख किधर रखोगे, भगवान की ओर, डंडी का मुख किधर रखोगे, अपनी ओर। उसी तरह जब अपने कार्य की सिद्धता के लिए अपन कोई कार्य कर रहे हैं, किसी को देना है हमको, तो ये पुष्प का मुख बाहर की ओर रखना, हमको जब काउंटर पर रखे तो सम्मुख रखे कि इससे हमें कुछ प्राप्त हो। पर दुनिया के लोग उल्टा फूल चढ़ाते हैं भगवान को, तुम हमेशा देखना शंकर जी के मंदिर में जाएंगे तो जो शिवलिंग होगा ना शंकर भगवान का, जितने भी जितने पूजन करने वालों को देखोगे ना, ये शंकर जी का शिवलिंग, तो फूल कैसे चढ़ा के आएंगे, ऐसे जमा के आएंगे, डंडी भगवान की ओर कर देंगे, फूल फूल अपनी ओर कर देंगे, ऐसे भगवान को चढ़ाएंगे, फूल का मुंह अपनी ओर, डंडी का मुंह तुम्हारी ओर, मतलब कांटे तुम्हें चुभे, हमें तो अच्छे। लोगों को पुष्प चढ़ाना भी नहीं आता, कितने पुष्प भगवान को देना चाहिए बोलो रे भाई, भगवान को रिझाने के लिए कितने फूल भगवान को देना चाहिए। बोलो तो कितने पुष्प भगवान को समर्पित करना चाहिए महाराज, भगवान को कितने पुष्प देना चाहिए रिझाने के लिए, भगवान को अब यहां से आवाज आई थी 4 पुष्प भगवान को समर्पित करना चाहिए, कितने पुष्प 4, बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, 4 अवस्था संवारने के लिए भगवान को 4 पुष्प दिए जाते हैं। पुष्प देते समय जिस दिन तुम भगवान को पुष्प दे रहे हो उस दिन हमें कुछ भी नहीं कहना, हमारी तरफ से ये पुष्प भगवान से कहे, पुष्प भगवान से क्या कहता है कि भगवान मुझमें जैसी सुगंध है वैसी इसके जीवन में सुगंध देना, पुष्प कहता है भगवान जैसी मुझमें ताजगी है इसके जीवन में वैसी ताजगी देना, पुष्प कहता है भगवान जैसे मेरी पत्तियों में रस है इसके जीवन में खुशियों का रस भर देना, ये पुष्प कहता है भगवान से, हमें नहीं कहना भगवान से कुछ, भगवान को पुष्प दे दिया तो भगवान समझ गए। अब वो पहले कौन सी कंजन कहां शादी में गए थे राम, तो याद आया स्टेज पे ऐसा लड़का घुटना टेक के, हाँ ऐसे तो राम ऐसे दे रहा है, तो हमने पूछ लिया भैया ये हमारे यहां तो ब्याह में जब भावर होती है उसके पहले जयमाला कराते हैं, माला पिना देते हैं, तो ये फूल मूल का चक्कर तो हमको समझ में नहीं आया, तो हमने पूछा ये फूल काहे को दिया है, तो कहा गुरु जी समर्पण के लिए दिया, हमने कहा बहुत बढ़िया, तो हमने कहा गोभी का दे देता तो सब्जी तो बन जाता, हम समर्पण के देव मना नहीं है पर हमारे यहां ऐसा विधान नहीं है फूल वगैरह देने का, आप भले दुनिया के दिखावे के चक्कर में कुछ भी करो वो अलग बात है, पर हमारे शास्त्रों में ऐसा कोई प्रमाण नहीं कि पुष्प आप किसी संसारिक मनुष्य को दे, पुष्प अगर दिल से कुछ देना है तो वो भगवान को दो, भगवान को समर्पित। हाँ कोई गुरु है सतगुरु है हम तो उनके लिए भी कहेंगे, अगर कोई गुरुजन आया तो उसको पुष्प देने की जगह पत्तियां निकालकर उसके चरणों में बिछा दीजिए महाराज गुरु के चरणार, जैसे शबरी अम्बा आती की यहाँ की शबरी अम्बा रोज सेज बिछाती थी, बुआरी काटती लगाती भगवान के लिए सेज बिछा कर रखती, भगवान आएंगे इंतजार करती, बाट ज्योति आएंगे और भगवान आए, भगवान प्राप्त हुए। और जब शबरी अम्बा के दरवाजे पर जैसे भगवान के लिए पुष्प बिखेर देती है, आप भी गुरुजन के लिए परमात्मा के सुख के लिए, आप ये नहीं कि भगवान को बहुत कुछ दो, भगवान को अगर 4 पुष्प भी दे रहे हो तो बहुत है, और पुष्प भी नहीं तो 1 पंखड़ी भी आप भगवान को दे रहे हो तो भी चलेगा। तो यहां तो शिव महापुराण में तो ये भी नहीं लिखा कि पंखड़ी भी दो, शिव महापुराण तो कहती है अपना दिल दो भगवान, क्या दो अपना मन अपना हृदय भगवान को दे दो, भगवान को संपदा नहीं धन नहीं दौलत नहीं सत्ता नहीं तुम्हारा वैभव नहीं कुछ भी नहीं चाहिए, जो तुम पैसा चढ़ा रहे हो वो भी भगवान को नहीं चाहिए, जो तुम वस्त्र चढ़ा रहे हो वो भी भगवान को नहीं चाहिए, जो तुम आभूषण चढ़ा रहे हो वो भी भगवान को नहीं, भगवान तो करे हृदय दे मुझको निर्मल मन सो मोहि पावा, आपका चित्त मुझे दे और वो भी अच्छा देना, देखो हृदय भी देना तो अच्छा देना है, और भगवान को वो दो जो भगवान के पास में नहीं है।
हम भगवान को वो देते हैं जो भगवान के पास में ले आओ, जरा वो फूल ले जाओ, भगवान को गेंदा का फूल चढ़ा दो, माला चढ़ा दो, ये चढ़ा दो। तो भगवान को, भगवान से भी तो पूछो तुम्हें अच्छा क्या लगता है, बताओ हम तुमने तुम्हारे लिए वो लेकर आएंगे। कभी भगवान से कहो जा, अरे भाई तुम्हारे पास में अगर लाल कलर की साड़ी है और कोई तुम्हें लाल कलर की साड़ी दे दे तो तुम तैयार करोगी क्या? अरे बोलो तो, तुम्हारे पास तो पहले से अलमारी में 25-30 साड़ियां लाल कलर की रखी है। कोई पीली दे दे तो तुम तैयार नहीं करोगे। हाँ, ऐसा कोई कलर हो जो कलर तुम्हारे पास में नहीं है और किसी ने दिया तो तुमने उसमें तुरंत फाल पीको सब लगवा लोगोगे, तैयारी करके और तुरंत रख दिया। बोलो रखोगे कि रखोगे? और मालूम पड़े किसी ने लाल साड़ी दे दी, पीली दे दी, नीली दे दी, जो तुम्हारे पास में पहले से थी और अच्छी साड़ी थी तो तुमने बहू को दे दी। बोलो दी कि नहीं दी? तुम्हारे तो काम आ नहीं रही तो तुमने बहू को दे दी, और अच्छी थी तो बेटी को दे दी। थोड़ी भी साड़ी अगर गड़बड़ थी तो भागवत जी पे चढ़ा दी। ठीक है, भागवत पे चढ़ा होता है। कोई ने पूछा था कि गुरुजी ये दुनिया के लोग आरती में ही खोटा सिक्का क्यों चढ़ाते हैं? मंदिर में लोग खोटा सिक्का क्यों चढ़ाते? फटा हुआ नोट, खोटा सिक्का मंदिर में चढ़ाएंगे, धर्म की जगह पर चढ़ाएंगे, अच्छी जगह पर कहीं नहीं देंगे। पर तो हमने कहा भाई सीधी सीधी बात है, जो दुनिया में कहीं नहीं चलता वो इसी के पास चलता। ये निभाता यही है, जिसको सब ठुकरा दे, जिसको सब निकाल दे, जो कहीं ना चले वो महादेव के चरणों में चले। एक बार शंकर के पास पहुंच जा, खोटे सिक्के को भी चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। बताओ वो शमशान की भभूत कहीं चले? अरे बोलो तो, कहीं नहीं चले। अगर कोई मुर्दा जलाने जाए तो घर आके नहाए, तो पत्नी करे बाहर बाल्टी रखिए, नहा लो जा। और अगर ऐसे घुस जाए घर में फिर देखो तो मैं तो अक्ल ही देंगे। मुर्दा जला के आए हो, पूरी अकल वहीं पे छोड़ी आए शमशान में, बाहर जाओ ना, कपड़े भी वहीं छोड़ दो, वहीं गीले करो। जिस गाड़ी पर आए हो गाड़ी पे भी पानी डलवा, चप्पल भी गीली करो, मोबाइल और एक पत्नी बोली धीरे से मार रख दो, मैं पानी छीट दूंगी, अब मत दे दो। विचार करना, वो शमशान की राह कहीं नहीं चले पर एक ही को चले, किसको? महादेव। वो उसके पास ऐसी चले कि वो ही भस्मी करोड़ों की हो जाती है। दक्षिण मुखी शंख होता है, गणेश शंख होता है, लक्ष्मी शंख होता है, नारायण शंख होता है, महाराज कुबेर शंख होता है, उत्तरवर्ती शंख होता है, भूमि शंख होता है और राक्षस शंख होता है। एक शंख हमारे घर में ऐसा राक्षस शंख, कहीं हम गए बाजार में और हम खरीद कर लिया तो राक्षस जो शंख होता है जब तक वो घर के अंदर रहता है तब तक घर में अशांति बन ही रहती है। चाहे सास हो, ननंद हो, देवरानी हो, जेठानी हो, भाई भाई हो, कुटुंब कबीला हो। और कई लोग कहते हैं महाराज पत्नी का स्वभाव तीव्र है, कोई कहता है माँ का स्वभाव तीव्र है, कोई कहता है जेठानी का स्वभाव तीव्र है, कोई कहता है पति का स्वभाव तीव्र। अर्थात याद करना मतलब तुम्हारे घर में कोई शंख ऐसा रखा हुआ है तो उसका राक्षस वृत्ति शंख रखा हुआ है, जिसके कारण बस वो राक्षस प्रवृत्ति देगा ही। मारक उसी तरह एक गणेश शंख होता है। किसी शंख वाले की दुकान पर जाओगे, पूजन वाले की दुकान पर जाओगे तो मिलेगा गणेश शंख होता है। उसको अगर हमें गणेश शंख दो तो गणेश शंख जो मिलेगा उस शंख की आकृति होती है सून जैसा मुड़ा हुआ था। तो उस गणेश शंख में पानी डालकर मारक उसमें एक कमलगट्टा, कमलगट्टा जानते हो किराने की दुकान पर मिलता काले कलर का, वो कमलगट्टा उसमें पटक दिया जाता है। शुक्रवार के दिन, शुक्रवार शनिवार और रविवार तीन दिन तक उसमें पानी भरा रहता है। सोमवार के दिन जिसकी वाणी नहीं है मारक, जो कि हकला रहा हो, तोतरा बोल रहा हो या बिल्कुल नहीं बोलता हो, वाणी खुली नहीं रही हो महाराज, तो कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर सुबह सुबह वो सोमवार के दिन उसको कुछ भी बिना खाए पिए उस पानी का आचमन कराइए, उसकी वाणी आना प्रारंभ होगी। और 5 या 7 बार कुंडकेश्वर महादेव का नाम उससे बुलवाई महाराज, वाणी भी क्लियर होगी, हकलाना बंद होगा और उसकी आवाज बाबा की कृपा से, कुंडकेश्वर की कृपा से पुनः आए। कुंडकेश्वर स्मरण, कुंडकेश्वर भगवान का जो नाम जाप है वो सुख प्रदान करता है। हम तो कई व्यापारियों से कहते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि आज दिन भर से दुकान नहीं चली, व्यापार ठीक नहीं चला, आज इनकम नहीं हुई, आज अच्छा व्यापार नहीं चल रहा है और आपको ऐसा लग रहा है तो रोज रोज ना करिएगा, पर जिस दिन तुम्हें लगे कि आज बिल्कुल व्यापार ठप पड़ा हुआ है उस दिन कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक सफेद फूल काउंटर पर रख दीजिए, शाम तक देख लेना अपने आप अंतर मालूम पड़ जाएगा। और ये तुम चाहो तो कल से करके देख लेना, इसलिए प्रैक्टिकल जरूर करना, प्रैक्टिकल का जमाना करना चाहिए। एक महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे शराब नहीं पीना चाहिए, शराब पीने वाला व्यक्ति, मदिरा पीने वाला व्यक्ति गटर में पड़ा होता है, नाली में पड़ा होता है, मत पियो, ये गंदा नाली का पानी है। उसी में महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठ के खड़ा हो गया, ओ महाराज तू तो इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहा, तेरा सगा भाई पी के तो नाली में पड़ा,
तो हमको ज्ञान दे रहा तेरे भाई को क्यों नहीं देता। महाराज जी बोले देखो भैया मैं भी प्रवचन कर रहा हूँ, मेरा भाई भी प्रवचन कर रहा है, मैं मुख से समझा रहा हूँ, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है, तुम जैसे समझना चाहो वैसे समझ जाओ। इसलिए प्रैक्टिकल जरूर करना कि अगर लगे कि आज व्यापार हाँ व्यापार ठीक चले तो बिल्कुल मत करना, और नहीं तो तुम और लोभ लालच में करने बैठे हो, तुम होशियार कम हो गई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल करना, जब जिस दिन लगे कि व्यापार ठीक नहीं चल रहा, आज लगे कि आज पैसा चाहिए और आ नहीं रहा, आज तुम्हें 5,000 की 10,000 की 50,000 की 1,00,000 5,00,000 की जरूरत है और कहीं से आवक नहीं है, भगवान कहीं ना कहीं से आ जाए ऐसी कृपा, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक पुष्प उसका अंतर पर रख दो, जिस जगह से तुम कमाते हो, जिस जगह पर, जिस गादी पर, जिस कुर्सी पर तुम बैठते हो, उसके सम्मुख में उस पुष्प का मुख बाहर होना चाहिए, उसकी डंडी, उसका जो डंडी का भाग है वो हमारी ओर मार आकर्षण। जैसे भगवान को जो फूल देते हैं, आपको मालूम होगा ना, भगवान को जो पुष्प देते हैं तो पुष्प का मुख कहां रखते हैं, भगवान की ओर, ठीक है। मतलब जैसे भगवान गोपाल जी बैठे हुए हैं तो भगवान को अगर आप पुष्प दोगे तो फूल का मुख किधर रखोगे, भगवान की, और डंडी का मुख किधर रखोगे, अपनी। और उसी तरह जब अपने कार्य की सिद्धता के लिए अपन कोई कार्य कर रहे हैं, किसी को देना है हमको, तो ये पुष्प का मुख बाहर की ओर रखना, हमको जब काउंटर पर रखे तो सम्मुख रखे कि इससे हमें कुछ प्राप्त हो। पर दुनिया के लोग उल्टा फूल चढ़ाते हैं भगवान को, तुम हमेशा देखना शंकर जी के मंदिर में जाएंगे तो जो शिवलिंग होगा ना शंकर भगवान का, जितने भी जितने पूजन करने वालों को देखोगे ना, ये शंकर जी का शिवलिंग, तो फूल कैसे चढ़ा के आएंगे, ऐसे जमा के आएंगे, डंडी भगवान की ओर कर देंगे, फूल फूल अपनी ओर कर देंगे, ऐसे भगवान को चढ़ाएंगे, फूल का मुंह अपनी ओर, डंडी का मुंह तुम्हारी ओर, मतलब कांटे तुम्हें चुभे, हमें तो अच्छे। लोगों को पुष्प चढ़ाना भी नहीं आता, कितने पुष्प भगवान को देना चाहिए बोलो रे भाई, भगवान को रिझाने के लिए कितने फूल भगवान को देना चाहिए। बोलो तो कितने पुष्प भगवान को समर्पित करना चाहिए महाराज, भगवान को कितने पुष्प देना चाहिए रिझाने के लिए, भगवान को अब यहां से आवाज आई थी 4 पुष्प भगवान को समर्पित करना चाहिए, कितने पुष्प 4, बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, 4 अवस्था संवारने के लिए भगवान को 4 पुष्प दिए जाते हैं। पुष्प देते समय जिस दिन तुम भगवान को पुष्प दे रहे हो उस दिन हमें कुछ भी नहीं कहना, हमारी तरफ से ये पुष्प भगवान से कहे, पुष्प भगवान से क्या कहता है कि भगवान मुझमें जैसी सुगंध है वैसी इसके जीवन में सुगंध देना, पुष्प कहता है भगवान जैसी मुझमें ताजगी है इसके जीवन में वैसी ताजगी देना, पुष्प कहता है भगवान जैसे मेरी पत्तियों में रस है इसके जीवन में खुशियों का रस भर देना, ये पुष्प कहता है भगवान से, हमें नहीं कहना भगवान से कुछ, भगवान को पुष्प दे दिया तो भगवान समझ गए। अब वो पहले कौन सी कंजन कहां शादी में गए थे राम, तो याद आया स्टेज पे ऐसा लड़का घुटना टेक के, हाँ ऐसे तो राम ऐसे दे रहा है, तो हमने पूछ लिया भैया ये हमारे यहाँ तो ब्याह में जब भावर होती है उसके पहले जयमाला कराते हैं, माला पिना देते हैं, तो ये फूल मूल का चक्कर तो हमको समझ में नहीं आया, तो हमने पूछा ये फूल काहे को दिया है, तो कहा गुरु जी समर्पण के लिए दिया, हमने कहा बहुत बढ़िया, तो हमने कहा गोभी का दे देता तो सब्जी तो बन जाता, अब समर्पण के देव मना नहीं है पर हमारे यहाँ ऐसा विधान नहीं है ये फूल वगैरह देने का, आप भले दुनिया के दिखावे के चक्कर में कुछ भी करो वो अलग बात है, पर हमारे शास्त्रों में ऐसा कोई प्रमाण नहीं कि पुष्प आप किसी संसारिक मनुष्य को दे, पुष्प अगर दिल से कुछ देना है तो वो भगवान को दो, भगवान को समर्पित। हाँ कोई गुरु है सतगुरु है हम तो उनके लिए भी कहेंगे, अगर कोई गुरुजन आया तो उसको पुष्प देने की जगह पत्तियां निकालकर उसके चरणों में बिछा दीजिए महाराज गुरु के चरणार्थ, जैसे शबरी अम्बा आती की यहाँ की शबरी अम्बा रोज सेज बिछाती थी, बुआरी काटती लगाती भगवान के लिए सेज बिछा कर रखती, भगवान आएंगे इंतजार करती, बाट जोती आएंगे और भगवान आए, भगवान प्राप्त हुए। और
जब शबरी अम्मा के दरवाजे पर जैसे भगवान के लिए पुष्प बिखेर देती है, आप भी गुरुजन के लिए, परमात्मा के सुख के लिए, आप ये नहीं कि भगवान को बहुत कुछ दो, भगवान को अगर चार पुष्प भी दे रहे हो तो बहुत है, और पुष्प भी नहीं तो एक पंखड़ी भी आप भगवान को दे रहे हो तो भी चलेगा। तो यहाँ तो शिव महापुराण में तो ये भी नहीं लिखा कि पंखड़ी भी दो, शिव महापुराण तो कहती है अपना दिल दो भगवान, क्या दो, अपना मन, अपना हृदय भगवान को दे दो, भगवान को संपदा नहीं, धन नहीं, दौलत नहीं, सत्ता नहीं, तुम्हारा वैभव नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, जो तुम पैसा चढ़ा रहे हो वो भी भगवान को नहीं चाहिए, जो तुम वस्त्र चढ़ा रहे हो वो भी भगवान को नहीं चाहिए, जो तुम आभूषण चढ़ा रहे हो वो भी भगवान को नहीं, भगवान तो करे हृदय दे मुझको, निर्मल मन सो मोहि पावा, आपका चित्त मुझे दे, और वो भी अच्छा देना, देखो हृदय भी देना तो अच्छा देना है, और भगवान को वो दो जो भगवान के पास में नहीं है, हम भगवान को वो देते हैं जो भगवान के पास में, ले आओ जरा वो फूल ले जाओ भगवान को, गेंदा का फूल चढ़ा दो, माला चढ़ा दो, ये चढ़ा दो, तो भगवान को, भगवान से भी तो पूछो तुम्हें अच्छा क्या लगता है, बताओ हम तुम तुम्हारे लिए वो लेकर आएंगे, कभी भगवान से कहो जा, अरे भाई तुम्हारे पास में अगर लाल कलर की साड़ी है और कोई तुम्हें लाल कलर की साड़ी दे दे तो तुम तैयार करोगी क्या, अरे बोलो तो, तुम्हारे पास तो पहले से अलमारी में 25-30 साड़ियां लाल कलर की रखी है, कोई पीली दे दे तो तुम तैयार नहीं करोगे, हाँ ऐसा कोई कलर हो जो कलर तुम्हारे पास में नहीं है और किसी ने दिया तो तुमने उसमें तुरंत फाल पीको सब लगवा लोगोगे, तैयारी करके और तुरंत रख दिया, बोले रखोगे कि रखोगे, और मालूम पड़े किसी ने लाल साड़ी दे दी, पीली दे दी, नीली दे दी जो तुम्हारे पास में पहले से थी और अच्छी साड़ी थी तो तुमने बहू को दे दी, बोले दी कि नहीं दी, तुम्हारे तो काम आ नहीं रही तो तुमने बहू को दे दी, और अच्छी थी तो बेटी को दे दी, थोड़ी भी साड़ी अगर गड़बड़ थी तो भागवत जी पे चढ़ा दी, ठीक है, भागवत पे चढ़ा होता है। कोई ने पूछा था कि गुरुजी ये दुनिया के लोग आरती में ही खोटा सिक्का क्यों चढ़ाते हैं, मंदिर में लोग खोटा सिक्का क्यों चढ़ाते, फटा हुआ नोट, खोटा सिक्का मंदिर में चढ़ाएंगे, धर्म की जगह पर चढ़ाएंगे, अच्छी जगह पर कहीं नहीं देंगे, पर तो हमने कहा भाई सीधी सीधी बात है, जो दुनिया में कहीं नहीं चलता वो इसी के पास चलता, निभाता यही है, जिसको सब ठुकरा दे, जिसको सब निकाल दे, जो कहीं ना चले वो महादेव के चरणों में चले, एक बार शंकर के पास पहुंच जा, खोटे सिक्के को भी चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, बताओ वो शमशान की भभूत कहीं चले, अरे बोलो तो कहीं नहीं चले, अगर कोई मुर्दा जलाने जाए तो घर आके नहाए, तो पत्नी करे बाहर बाल्टी रखिए नहा लो जा, और अगर ऐसे घुस जाए घर में फिर देखो तुम्हें तो अक्ल ही नहीं है, मुर्दा जला के आए हो, पूरी अक्ल वहीं पे छोड़ी आए क्या शमशान, बाहर जाओ ना, कपड़े भी वहीं छोड़ दो, वहीं गीले करो, जिस गाड़ी पर आयो गाड़ी पे भी पानी डलवा, चप्पल भी गीली करो, मोबाइल और एक पत्नी बोली धीरे से मार रख दो, मैं पानी छींक दूंगी, अब मत दर दो, विचार करना शमशान की रात कहीं नहीं चले पर एक ही को चले, किसको, महादेव, वो उसके पास ऐसी चले कि वो ही भस्मी करोड़ों की हो जाती है, दक्षिण मुखी शंख होता है, गणेश शंख होता है, लक्ष्मी शंख होता है, नारायण शंख होता है, महाराज कुबेर शंख होता है, उत्तरवर्ती शंख होता है, भूमि शंख होता है, और राक्षस शंख होता है, एक शंख हमारे घर में ऐसा राक्षस शंख, कहीं हम गए बाजार में और हम खरीद कर लिया तो राक्षस जो शंख होता है जब तक वो घर के अंदर रहता है तब तक घर में अशांति बन ही रहती है, चाहे सास हो, ननंद हो, देवरानी हो, जेठानी हो, भाई भाई हो, कुटुंब कबीला हो, और कई लोग कहते हैं महाराज पत्नी का स्वभाव तीव्र है, कोई कहता है माँ का स्वभाव तीव्र है, कोई कहता है जेठानी का स्वभाव तीव्र है, कोई कहता है पति का स्वभाव तीव्र, अर्थात याद करना मतलब तुम्हारे घर में कोई शंख ऐसा रखा हुआ है तो उसका राक्षस वृत्ति शंख रखा हुआ है जिसके कारण बस वो राक्षस प्रवृत्ति देगा ही, मारक उसी तरह एक गणेश शंख होता है, किसी शंख वाले की दुकान पर जाओगे, पूजन वाले की दुकान पर जाओगे तो मिलेगा गणेश शंख होता है, उसको कहना गणेश शंख दो, तो गणेश शंख जो मिलेगा उस शंख की आकृति होती है सून जैसा मुड़ा हुआ था, तो उस गणेश शंख में पानी डालकर मारक उसमें एक कमलगट्टा, कमलगट्टा जानते हो किराने की दुकान पर मिलता काले कलर का, वो कमलगट्टा उसमें पटक दिया जाता है शुक्रवार के दिन, शुक्रवार शनिवार और रविवार तीन दिन तक उसमें पानी भरा रहता है, सोमवार के दिन जिसकी वाणी नहीं है मारक जो कि हकला रहा हो
तोतरा बोल रहा हो या बिल्कुल नहीं बोलता हो, वाणी खुली नहीं रही हो महाराज, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर सुबह सुबह वो सोमवार के दिन उसको कुछ भी बिना खाए पिए उस पानी का आचमन कराइए, उसकी वाणी आना प्रारंभ होगी। और 5 या 7 बार कुंदकेश्वर महादेव का नाम उससे बुलवाइए महाराज, वाणी भी क्लियर होगी, हकलाना बंद होगा और उसकी आवाज बाबा की कृपा से, कुंदकेश्वर की कृपा से पुनः आए। कुंदकेश्वर स्मरण, कुंदकेश्वर भगवान का जो नाम जाप है वो सुख प्रदान करता है। हम तो कई व्यापारियों से कहते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि आज दिन भर से दुकान नहीं चली, व्यापार ठीक नहीं चला, आज इनकम नहीं हुई, आज अच्छा व्यापार नहीं चल रहा है और आपको ऐसा लग रहा है, तो रोज रोज ना करिएगा, पर जिस दिन तुम्हें लगे कि आज बिल्कुल व्यापार ठप पड़ा हुआ है उस दिन कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक सफेद फूल काउंटर पर रख दीजिए, शाम तक देख लेना अपने आप अंतर मालूम पड़ जाएगा, और ये तुम चाहो तो कल से करके देख लेना। इसलिए प्रैक्टिकल जरूर करना, प्रैक्टिकल का जमाना करना चाहिए। एक महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे शराब नहीं पीना चाहिए, शराब पीने वाला व्यक्ति, मदिरा पीने वाला व्यक्ति गटर में पड़ा होता है, नाली में पड़ा होता है, मत पियो, ये गंदा नाली का पानी है। उसी में महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठ के खड़ा हो गया, ओ महाराज तू तो इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहा, तेरा सगा भाई पी के तो नाली में पड़ा, तो हमको ज्ञान दे रहा तेरे भाई को क्यों नहीं देता। महाराज जी बोले देखो भैया मैं भी प्रवचन कर रहा हूं, मेरा भाई भी प्रवचन कर रहा है, मैं मुख से समझा रहा हूं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है, तुम जैसे समझना चाहो वैसे समझ। इसलिए प्रैक्टिकल जरूर करना कि अगर लगे कि आज व्यापार, हाँ व्यापार ठीक चले तो बिल्कुल मत करना, और नहीं तो तुम और लोग लालच में करने बैठे हो, तुम होशियार कम हो गई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल करना, जब जिस दिन लगे कि व्यापार ठीक नहीं चल रहा, आज लगे कि आज पैसा चाहिए और आ नहीं रहा, आज तुम्हें 5,000 की 10,000 की 50,000 की 1,00,000 5,00,000 की जरूरत है और कहीं से आवक नहीं है, भगवान कहीं ना कहीं से आ जाए ऐसी कृपा, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक पुष्प उस काउंटर पर रख दो, जिस जगह से तुम कमाते हो, जिस जगह पर, जिस गादी पर, जिस कुर्सी पर तुम बैठते हो उसके सम्मुख में उस पुष्प का मुख बाहर होना चाहिए, उसकी डंडी, उसका जो डंडी का भाग है वो हमारी ओर मारो आकर्षण। जैसे भगवान को जो फूल देते हैं, आपको मालूम होगा ना, भगवान को जो पुष्प देते हैं तो पुष्प का मुख कहाँ रखते हैं, भगवान की ओर, ठीक है। मतलब जैसे भगवान गोपाल जी बैठे हुए हैं तो भगवान को अगर आप पुष्प दोगे तो फूल का मुख किधर रखोगे, भगवान की ओर, डंडी का मुख किधर रखोगे, अपनी ओर। उसी तरह जब अपने कार्य की सिद्धता के लिए अपन कोई कार्य कर रहे हैं, किसी को देना है हमको, तो ये पुष्प का मुख बाहर की ओर रखना, हमको जब काउंटर पर रखे तो सम्मुख रखे कि इससे हमें कुछ प्राप्त हो। पर दुनिया के लोग उल्टा फूल चढ़ाते हैं भगवान को, तुम हमेशा देखना शंकर जी के मंदिर में जाएंगे तो जो शिवलिंग होगा ना शंकर भगवान का, जितने भी जितने पूजन करने वालों को देखोगे ना, ये शंकर जी का शिवलिंग, तो फूल कैसे चढ़ा के आएंगे, ऐसे जमा के आएंगे, डंडी भगवान की ओर कर देंगे, फूल फूल अपनी ओर कर देंगे, ऐसे भगवान को चढ़ाएंगे, फूल का मुंह अपनी ओर, डंडी का मुंह तुम्हारी ओर, मतलब कांटे तुम्हें चुभे, हमें तो अच्छे, लोगों को पुष्प चढ़ाना भी नहीं आता। कितने पुष्प भगवान को देना चाहिए बोलो रे भाई, भगवान को रिझाने के लिए कितने फूल भगवान को देना चाहिए। बोलो तो कितने पुष्प भगवान को समर्पित करना चाहिए महाराज, भगवान को कितने पुष्प देना चाहिए रिझाने के लिए, भगवान को अभी यहां से आवाज आई थी 4 पुष्प भगवान को समर्पित करना चाहिए। कितने पुष्प? 4, बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, 4 अवस्था संवारने के लिए भगवान को 4 पुष्प दिए जाते हैं। पुष्प देते समय जिस दिन तुम भगवान को पुष्प दे रहे हो उस दिन हमें कुछ भी नहीं कहना, हमारी तरफ से ये पुष्प भगवान से कहे। पुष्प भगवान से क्या कहता है कि भगवान मुझमें जैसी सुगंध है वैसी इसके जीवन में सुगंध देना। पुष्प कहता है भगवान जैसी मुझमें ताजगी है इसके जीवन में वैसी ताजगी देना। पुष्प कहता है भगवान जैसे मेरी पत्तियों में रस है इसके जीवन में खुशियों का रस भर देना। ये पुष्प कहता है भगवान से, हमें नहीं करना भगवान से कुछ। भगवान को पुष्प दे दिया तो भगवान समझ गए, अब वो पहले कौन सी कंजन कहां शादी में गए थे राम, तो याद आया स्टेज पे ऐसा लड़का घुटना टेक के, हाँ ऐसे ही तो राम ऐसे दे रहा है, तो हमने पूछ लिया भैया ये हमारे यहां तो ब्याह में जब भावर होती है उसके पहले जयमाला कराते हैं, माला पिना देते हैं, तो ये फूल मूल का चक्कर तो हमको समझ में नहीं आया, तो हमने पूछा ये फूल काय को दिया है, तो कहा गुरु जी समर्पण के लिए दिया। हमने कहा बहुत बढ़िया, तो हमने कहा गोभी का दे देता तो सब्जी तो बन जाता, हम समर्पण के भाई देव मना नहीं है पर हमारे यहां ऐसा विधान नहीं है फूल वगैरह देने का।
भले दुनिया के दिखावे के चक्कर में कुछ भी करो वो अलग बात है, पर हमारे शास्त्रों में ऐसा कोई प्रमाण नहीं कि पुष्प आप किसी संसारिक मनुष्य को दे। पुष्प अगर दिल से कुछ देना है तो वो भगवान को दो, भगवान को समर्पित। हाँ, कोई गुरु है, सतगुरु है, हम तो उनके लिए भी कहेंगे अगर कोई गुरुजन आया तो उसको पुष्प देने की जगह पत्तियां निकालकर उसके चरणों में बिछा दीजिए महाराज, गुरु के चरणार। जैसे शबरी अम्बा आती की, यहाँ की शबरी अम्बा रोज सेज बिछाती थी, बुआरी काटती लगाती, भगवान के लिए सेज बिछा कर रखती, भगवान आएंगे इंतजार करती, बाट जोती आएंगे और भगवान आए, भगवान प्राप्त हुए। और जब शबरी अम्बा के दरवाजे पर जैसे भगवान के लिए पुष्प बिखेर देती है, आप भी गुरुजन के लिए, परमात्मा के सुख के लिए, आप ये नहीं कि भगवान को बहुत कुछ दो, भगवान को अगर चार पुष्प भी दे रहे हो तो बहुत है, और पुष्प भी नहीं तो एक पंखड़ी भी आप भगवान को दे रहे हो तो भी चलेगा। तो यहाँ तो शिव महापुराण में तो ये भी नहीं लिखा कि पंखड़ी भी दो, शिव महापुराण तो कहती है अपना दिल दो भगवान, क्या दो, अपना मन, अपना हृदय भगवान को दे दो। भगवान को संपदा नहीं, धन नहीं, दौलत नहीं, सत्ता नहीं, तुम्हारा वैभव नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। जो तुम पैसा चढ़ा रहे हो वो भी भगवान को नहीं चाहिए, जो तुम वस्त्र चढ़ा रहे हो वो भी भगवान को नहीं चाहिए, जो तुम आभूषण चढ़ा रहे हो वो भी भगवान को नहीं। भगवान तो करे हृदय दे मुझको, निर्मल मन सो मोहि पावा, आपका चित्त मुझे दे, और वो भी अच्छा देना। देखो हृदय भी देना तो अच्छा देना है, और भगवान को वो दो जो भगवान के पास में नहीं है। हम भगवान को वो देते हैं जो भगवान के पास में, ले आओ जरा वो फूल ले जाओ भगवान को, गेंदा का फूल चढ़ा दो, माला चढ़ा दो, ये चढ़ा दो। तो भगवान को, भगवान से भी तो पूछो तुम्हें अच्छा क्या लगता है, बताओ हम तुमने तुम्हारे लिए वो लेकर आएंगे, कभी भगवान से कहो जा अरे भाई तुम्हारे पास में अगर लाल कलर की साड़ी है और कोई तुम्हें लाल कलर की साड़ी दे दे तो तुम तैयार करोगी क्या? अरे बोलो तो, तुम्हारे पास तो पहले से अलमारी में 25-30 साड़ियां लाल कलर की रखी है, कोई पीली दे दे तो तुम तैयार नहीं करोगे। हाँ, ऐसा कोई कलर हो जो कलर तुम्हारे पास में नहीं है और किसी ने दिया तो तुमने उसमें तुरंत फाल पीको सब लगवा लोगोगे, तैयारी करके वो तुरंत रख दिया, बोलो रखोगे कि रखोगे, और मालूम पड़े किसी ने लाल साड़ी दे दी, पीली दे दी, नीली दे दी, जो तुम्हारे पास में पहले से थी और अच्छी साड़ी थी तो तुमने बहू को दे दी, बोलो दी कि नहीं दी, तुम्हारे तो काम आ नहीं रही तो तुमने बहू को दे दी, और अच्छी थी तो बेटी को दे दी, थोड़ी भी साड़ी अगर गड़बड़ थी तो भागवत जी पे चढ़ा दी, ठीक है, भागवत पे चढ़ा होता है। कोई ने पूछा था कि गुरुजी ये दुनिया के लोग आरती में ही खोटा सिक्का क्यों चढ़ाते हैं, मंदिर में लोग खोटा सिक्का क्यों चढ़ाते, फटा हुआ नोट, खोटा सिक्का मंदिर में चढ़ाएंगे, धर्म की जगह पर चढ़ाएंगे, अच्छी जगह पर कहीं नहीं देंगे। पर तो हमने कहा भाई सीधी सीधी बात है, जो दुनिया में कहीं नहीं चलता वो इसी के पास चलता, ये निभाता यही है, जिसको सब ठुकरा दें, जिसको सब निकाल दें, जो कहीं ना चले वो महादेव के चरणों में चले, एक बार शंकर के पास पहुंच जा, खोटे सिक्के को भी चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, बताओ वो शमशान की भभूत कहीं चले, अरे बोलो तो कहीं नहीं चले। अगर कोई मुर्दा जलाने जाए तो घर आके नहाए, तो पत्नी करे बाहर बाल्टी रखिए नहा लो जा, और अगर ऐसी घुस जाए घर में फिर देखो तुम्हें तो अक्ल ही नहीं है, मुर्दा जला के आए हो, पूरी अकल वहीं पे छोड़ी आए के शमशान में, बाहर जाओ ना, कपड़े भी वहीं छोड़ दो, वहीं गीले करो, जिस गाड़ी पर आए हो गाड़ी पर भी पानी डलवा, चप्पल भी गीली करो, मोबाइल और एक पत्नी बोली धीरे से मार दो पानी छीट दूंगी अब मत दर दो, विचार करना वो शमशान की राह कहीं नहीं चले पर एक ही को चले, किसको मारे वो उसके पास ऐसी चले कि वो ही भस्मी करोड़ों की हो जाती। दक्षिण मुखी शंख होता है, गणेश शंख होता है, लक्ष्मी शंख होता है, नारायण शंख होता है महाराज, कुबेर शंख होता है, उत्तरवर्ती शंख होता है, भूमि शंख होता है, और राक्षस शंख होता है। एक शंख हमारे घर में ऐसा राक्षस